की आकृतियों के बारे में तो हम सदैव बताते हैं। आज आप देख रहे हैं दीपक में इनके मकोड़ा गिरा हुआ है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे दीपक हम जलाते हैं तो आसपास घूमने वाले चींटी मकोड़ा कीट पतंगा अगर उसमें गिर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम देखते हैं कि कोई जीव उसके अंदर गिर गया है तो हमें दीपक को शांत कर देना चाहिए। हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस दीपक का जितना घी या तेल है उसको निकाल देना चाहिए, बाती को निकाल देना चाहिए, उसको फिर धोकर गंगा जल छिड़क कर दोबारा से हमें दीपक जलाना चाहिए। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है और हम कई बार उस चीज़ का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं मेरे पास ये वीडियो आई तो मुझे लगा कि आप सभी को भी इस विषय में हमें कुछ बातें बतानी चाहिए कि कई बार होता है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो वो अपने आप भंग हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे इन्होंने जो दीपक जलाया ये भंग हो चुका है। अगर ये अखंड दीपक के साथ ऐसा होता है तो हमें अखंड दीपक में जितना घी तेल है वो सारा निकालना पड़ेगा और हाँ उससे हमें दूसरा दीपक जला के रख लेना है वो हम कर सकते हैं, पर उसको बिल्कुल हमें साफ करके दोबारा अच्छी तरह से जलाना पड़ेगा। अब कई लोग पूछते हैं कि जी ऐसा हो जाता है तो हम क्या समझें क्या नहीं। तो देखो कई बार हम हर चीज़ को नेगेटिविटी के से जोड़ कर तो नहीं देख सकते हैं, पर अगर ये चीज़ हमारे साथ कई बार हो चुकी होती है, जैसे मैंने बहुत सारे व्यक्तियों का देखा है कि उनकी मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, मंदिर में आग लग जाती है, दीपक खंडित हो जाता है। जैसे दीपक में आपने देखा है कि मकोड़ा चींटी गिर जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके घर में नेगेटिविटी है जिसके कारण उनकी पूजा को वो सफल नहीं होने दे रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जब पूजा पाठ करने से पहले ये नियम बनाना चाहिए 10 दिन में 15 दिन में, खासकर अमावस्या के बाद, पूर्णिमा पर, ग्रहण काल में या कोई भी तीज त्यौहार होता है उसमें पूरे मंदिर में हमें अपने गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए मूर्तियों पर, दीपक पर, ताकि हम उस चीज़ का शुद्धिकरण कर सकें। नहीं तो ये घटनाएं अगर हमारे साथ बार बार हो रही हैं तो 100% कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको तंग कर रही है। जब भी ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, शनिवार को बजरंग बाण का पाठ 11 बार करना चाहिए। अगर ये हमारे साथ हम बार बार देखते हैं कि हमारे दीपक में ऐसा कुछ हो रहा है, हमारी मूर्तियां खंडित हो रही हैं, दीपक खंडित हो रहा है या हमारी दीपक से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो हमें स्वयं छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए। दीपक में 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए क्योंकि लौंग की जो खुशबू बहुत तीव्र होती है, उससे भी आसपास जो हमारे मंदिर में है वो चींटी मकोड़े नहीं आते हैं और नेगेटिविटी भी नहीं आती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे उपाय बड़े फ़ायदे देती है। जैसे छोटा सा मंत्र जय श्री राम बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है, ऐसे छोटी छोटी सावधानियां ज़रूर करनी चाहिए। हाँ ये आप ये कह सकते हैं कि ये शुभ नहीं है कि आपके दीपक में कुछ गिरे तो आपकी जो पूजा है वो खंडित हो रही है और पूजा का जो प्रभाव आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपको सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए, अभी मंदिर की सफाई रखनी चाहिए, हो सके तो उसमें कपूर की भी धुनी देनी चाहिए। काफ़ी चीज़ों की जब हम सावधानी रखते हैं तभी हमें उन चीज़ों से बचाव रहता है।
अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप भी हमें वीडियो भेज सकते हैं, हम व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल पर दे रखा है। डरने की कोई बात नहीं है, प्रभु आपके साथ है, जो सबसे बड़ी शक्ति है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आपके दीपक में ऐसा हो रहा है तो सावधानी बरतें, बजरंग बाण का पाठ करें, गंगा जल का छिड़काव करें, सोने से पहले धूनी देना शुरू करें। कुछ छोटे छोटे उपाय कहते हैं नहीं कि हम जब धूनी देते हैं तो अलग कीट मकोड़े ये भागते हैं, नेगेटिविटी भागती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ अजीब सा होता है तो आप वीडियो बनाकर ज़रूर भेजा करो ताकि दूसरों को भी इस चीज़ का लाभ मिले, क्योंकि जब भी कोई वीडियो बनती है उसको बहुत सारे लोग देखते हैं और अगर उनको भी ये समस्या आती है तो उन्हें ये वीडियो मिल जाती है। अगर वो गूगल करते हैं तो उनको भी लाभ मिलता है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, हर चीज़ को आप नोटिस ज़रूर करना शुरू करें और हनुमान जी पर विशेष आप रखें विश्वास। आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा, बस आप उनके पाठ निरंतर करते रहें। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।